Topologically, we have studied about the vectors that are the third tools which we have discussed, and the characteristic features of it. ठीक है, also a layout of this biotechnology RDNA technology we have studied कि इसमें various tools are required and hence the processing will be made. ठीक है, इसमें क्या होगा, changes होंगी सारे के सारे, मतलब host cells वगैरह में हम लोगों ने changes करवा देनी है, RDNA बन जाना है, that is recombinant बन जाना है DNA का, DNA के अंदर changes करवा दिया, वो सब कुछ करने के बाद होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा एंड द होस्ट इज गोइंग टू शो अस द डिजायर्ड चेंजेस. ठीक है, दिस इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो हमने अभी तक पढ़ा. पर यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है कि जो हमारे होस्ट सेल्स हैं, यानी जिसके अंदर हमने इसको डालना है, अब हमारा वैक्टर के थ्रू जा रहा है, वैक्टर के थ्रू हम लोगों ने इंसर्शन करवाया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द वैक्टर हमने करवाया, या हमने जो भी आरडीएनए है, मतलब रिकॉम्बिनेंट है हमारा, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको जब भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है होस्ट के अंदर, तो पहले तो होस्ट को भी कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा, है ना, होस्ट को उस काबिल बनना पड़ेगा कि इट कैन रिसीव द एक्स्ट्रा डीएनए पार्ट, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ये रिसीव कर सके. सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टू मेक द कॉम्पिटेंट होस्ट्स, होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना, यानी कि होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना, जैसे हमारा बैक्टीरियल सेल है सिंपल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने इंसर्शन किया और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो चेंजेस आई हैं वो आएंगे. ठीक है, जो हमने फर्स्ट में डायग्राम बनाया था अगर आपको याद है, तो हमने रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए था दैट वॉज इंसर्टेड इन द ईकोलाई, ठीक है, इंसर्शिया कोलाई के अंदर हमने इंसर्शन करवाया था, एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन फर्दर सेल डिवाइडेड डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड फॉर्मिंग द नंबर ऑफ कॉपीज. ठीक है, बट फॉर दैट ऑल्सो वी नीड टू मेक दिस कॉम्पिटेंट, द होस्ट सेल शुड बी कॉम्पिटेंट, दैट इज इट शुड बी यू कैन से हैविंग अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट इट इज रेडी टू गेट दैट एक्स्ट्रा डीएनए. ठीक है, फॉर मेकिंग द होस्ट सेल एज कॉम्पिटेंट और बैक्टीरियल सेल विच इज एक्टिंग एज अ होस्ट सेल से, तो उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए वी नीड टू ट्रीट दिस विद अ डायकेटाइनिक आयंस. ठीक है, डायकेटाइनिक आयंस के साथ इसको हमें ट्रीट करवाना, मतलब टू पॉजिटिव वाले जो आयंस होते हैं उनके साथ हमें इनको ट्रीट करवाना है, ताकि इनकी जो एक स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो आने शुरू हो जाएं, एंड हेंस दे कैन कैरी द आरडीएनए इनटू इट. ठीक है, आरडीएनए दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू इट. नाउ टू इंट्रोड्यूस द आरडीएनए इनटू दिस कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, ये ट्रीट करवाने के बाद होस्ट सेल हमारा जो है वो कॉम्पिटेंट बन जाएगा. अब उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, What are the various techniques to introduce RDNA into the competent host के अंदर किस तरह से हमें introduce करवाना है अपने recombinant को. ठीक है, this is very very important topic. How to introduce the recombinant DNA that you have already changed with the gene of interest, you have already added it. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने कटिंग वगैरह और उसकी कंबाइनिंग वगैरह कर दिया है, जिसका ट्रीटमेंट हमने कर दिया है उस DNA का. Now how to introduce into the competent host cell? ठीक है, competent host cell कैसे डालना है? उसके लिए हमारे पास फर्स्ट टेक्निक है हीट शॉक थेरेपी. The first technique is called as heat shock therapy. Now what is this heat shock therapy? As the name is saying, heat shock means we are to provide it the heat, but firstly this RDNA that is grown onto the cultures, that is you can say on the mediums which are first exposed to the icy conditions. Theek hai, sabse pehle isko thand conditions, cool temperatures dene hain, low temperatures dene hain, followed by heat ka shock lagayenge. So heat shock means it is followed after by the high heat temperature, say at 42 degree centigrade, again followed back to the ice conditions. Okay, so this is alternative plating, we can say, done on the icy, then heat conditions, then icy conditions back. Okay, so alternative conditions hum logo ne isko provide karni hai, so that this competent host cell can carry this RDNA very easily. ठीक है, सेकेंड वे आउट इज वी कैन डायरेक्टली पुट द आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल्स न्यूक्लियस, सीधा ही न्यूक्लियस के अंदर डाल दो, एंड दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक दैट यूजेस माइक्रो इंजेक्शन.
अब इसमें क्या होता है, एनिमल सेल्स में, स्पेशली एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर थ्रू माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्टली द आरडीएनए दैट इज टेकन, इट इज कलेक्टेड इन द माइक्रो इंजेक्शन एंड इट इज इंसर्टेड डायरेक्टली, इंजेक्टेड डायरेक्टली इन टू द न्यूक्लियस ऑफ द दिस कॉम्पोनेंट होस्ट सेल. सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट इंसर्शन कर दिया जाता है यूजिंग द माइक्रो इंजेक्शन. दैट्स द सेकेंड टेक्निक. ठीक है, कैसे आरडीएनए पहुंचाया हमने होस्ट सेल के अंदर, राइट. द थर्ड टेक्निक इज बायोलिस्टिक टेक्निक और कॉल्ड एज जीन गन. दिस इज स्पेशली डन इन द प्लांट सेल्स. अब प्लांट सेल्स में क्या किया जाएगा, बायोलिस्टिक या जीन गन. बायोलिस्टिक टेक्निक में जो सेल्स हैं, सेल्स कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स हैं, इनको बम्बार्ड किया जाता है विद द माइक्रो पार्टिकल्स दैट ऑफ द गोल्ड एंड टंगस्टन. गोल्ड और टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स, दे आर टंगस्टन, गोल्ड एंड टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स, दे आर कैरिंग दिस आरडीएनए, दे आर कोटेड विद द आरडीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ पे प्लेस्ड है, ऑन द गोल्ड और टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर. दीज माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ द गोल्ड और टंगस्टन, दे आर बम्बार्डेड विद द कॉम्पिटेंट होस्ट सेल. And when the bombardments take place, then the cell will take all these through the microparticles that are available. They will be taking the RDNA to itself. Okay? So this is the gene gun or the bioelastic technique that involves bombardment of the plant cell, especially the plant cell. This is for animal cell microinjection. Okay? This is the plant cells. They are two competent host cells, which are our. उनके साथ प्लांट सेल्स में अगर हमने इंट्रोडक्शन करना है तो गोल्ड के या टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स लीजिए, उसके ऊपर आरडीएनए को कोट करवा के बम्बार्ड कर दें एंड देन दे विल बी टेकिंग इन द होस्ट सेल. ठीक है, एंड लास्ट आर द डिसआर्म्ड पैथोजेंस. एज इन द लास्ट लेक्चर आल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज, फॉर एग्जाम्पल द ट्यूमर इंड्यूसिंग पैथोजन, फॉर द ट्यूमर इंड्यूसिंग पीआई डीएनए जो था, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए ऑफ द agrobacterium. So that had a possibility, that is a property in which it can leave its DNA into the host cell and thereby creating the changes which is required by that pathogen. So वहाँ पे क्या किया, उस TI plasmid में से simple क्या किया, sorry, उस TI plasmid में से क्या किया, जो DNA जो genes responsible थी tumor induce करने के लिए, उन ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स को रिमूव कर दिया गया और अपनी रिक्वायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां डाल दी, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज द पैथोजेंस विच आर नाउ डिसआर्म्ड. मींस वहां जाके हार्म नहीं करेंगे, जो एक बैड इफेक्ट क्रिएट करना था वो नहीं करेंगे, दे विल बी रादर हेल्पिंग अस बाय ट्रांसफरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टू द होस्ट सेल. ठीक है, द सेम वे दे आर यूजिंग देयर मशीनरी, बट देयर नाउ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द यू कैन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स, they are providing the useful thing to into the host cell. Okay? Same way they are attacking. May the pathogen be the plant or the animal member. As for the animal, retroviruses were treated. You know? So they are the disarmed pathogens. The pathogens which were initially to cause the disease, to cause the tumor, to cause the cancerous cells as retroviruses do. So to cause these bad conditions, they are now used as to introduce the recombinant DNA into the host. Okay? So these are the four techniques that which are used for introducing the RDNA into the host cell. Done? Clear? Now coming to the next is a full process of this biotechnology, RDNA technology that we have studied. The whole process which consists of six continuous steps. Okay, one followed after the another. Six steps ka ye pura ka pura process. That is to be listed under the six steps. अभी तक हमने इसको parts में पढ़ा है. What are the various techniques which are the part of this RDNA technology? Now we are to understand the full process of this RDNA technology, recombinant DNA technology. So what are the various process steps? First is the isolation. सबसे पहले हमने क्या किया था? DNA को isolate किया था. ठीक है, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल दैट इज द डीएनए. मोस्ट कॉमनली वी हैव स्टडीड फाउंड इज द डीएनए एज द जेनेटिक मटीरियल. सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट ऑफ आइसोलेशन ऑफ द डीएनए और द जेनेटिक मटीरियल.
Now we all know where is this DNA present? Where is it located? The DNA is located within the cell. Say this is the animal cell, right? There is a nuclear membrane. Within this, there will be the nucleoplasm also having the chromosomes. These chromosomes, they have the DNA and proteins. Means the DNA, they are associated with the proteins forming the chromosomes within the packed type of membranes called as a nuclear membrane and the cellular membranes and everything. ठीक है, तो ये इतना ज्यादा पैक्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इसके ऊपर इतनी सारी प्रोटेक्शंस हैं, तो हाउ कैन वी आइसोलेट आउट दिस डीएनए जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द सेल्स ऑफ अवर चॉइस, दोज वी वांट टू चेंज. ठीक है, उनमें से कैसे निकाला जाएगा, जिसमें हमें डालना है उसके लिए हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा इसको. ठीक है, अब इसमें डाइवेलेंट कैटाइन्स भी लिख सकते हैं, डाइकैटाइनिक आयंस भी लिख सकते हैं. ठीक है, बोथ वेज इट इज करेक्ट. सो दिस इज आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल और द डीएनए. हाउ टू डू, basically to get the DNA from this particular area of the cell, we need to cut the membranes. tabhi hum DNA ko isolate karwa payenge na, bahar nikal payenge. theek hai, to inki cutting kaise karwani hai, ye already aap ek technique kar chuke hain, that is separation of DNA. you remember term 1 mein hum logo ne practicals mein bhi kiya tha, separation of DNA, separation of DNA fragments by spooling, hai na, if you remember, aap logo ko practical activity karwai hai saari. अब उसमें हमने क्या किया, देयर इज एंजाइम्स, दे आर ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ द टेंडाइजर्स एंड दैट इज द वेरियस ऑफ द सेल्स, दे आर किल्ड, देयर नेचर इज डीनेचराइज्ड बाय यूजिंग दोज सोप, जो हम यूटेंसिल वॉशिंग सोप लेते हैं, है ना, देन एडिंग ऑन सॉल्ट टू इट. तो ये सारी कंडीशंस में हमने क्या किया, उसको जब भी हमने मिक्स कर दिया सारा डीएनए मटीरियल, जो हमारा क्रश्ड मटीरियल ऑफ द प्लांट या कोई भी सोर्स आता है, उसमें जब भी आप क्रशिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, देन देयर इज द सेल्स, दे आर ब्रोकन डाउन बाय यूजिंग दीज पर्टिकुलर सोप लाइक चीजें जो हमने एट अवर होम अवेलेबल जो होती हैं, उन चीजों को जब हम यूज करते हैं, तो ये बेसिकली किल्स दीज टाइप ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर्स, बायोलॉजिकल सेलुलर स्ट्रक्चर्स, माइक्रोबियल स्ट्रक्चर्स. तो जब वो किल कर देती हैं, तो डीएनए दे आर लेफ्ट आउट. ठीक है, दैट विच वी कलेक्टेड एट द एंड व्हेन वी ट्रीटेड इट विद द इथेनॉल, तो इथेनॉल से हमने ट्रीट किया और फाइनली वी स्पूल आउट all the thread like structures of the DNA. the same way we are to perform this also. theek hai, that is not using actually the soapy solution but using the enzymes directly. if say there is the bacterial membrane which you need to cut, so for the bacteria as a cell you will be cutting it with the help of the enzymes called as lysozymes, hai na. similarly for the plantae, if the members they are the plant cells to be cut, then you can use the cellulase enzymes. ठीक है, there is an introduction of the various enzymes which is done. ठीक है, thirdly, if the material is in the form of the fungi, that is the cells which are to be treated, they are fungi, then its wall is made up of chitin, and you will be using the enzyme which is chitinases. Right? Cutting of the membrane, again we know that this DNA that has the you can say surroundings which are carrying the proteinaceous compounds in it or the RNA, जो shorter fragments उसके आसपास होते हैं. ठीक है, the components of the RNA DNA, तो इन सारी चीजों को तो digest करना पड़ेगा, मतलब इन सारी चीजों को फिर remove करना पड़ेगा, तभी हम DNA को पूरी तरह से isolate करते हैं. so treating the RNA, that is RNA को खत्म करने के लिए to dissolve it out, we use the ribonucleases. to treat the proteins, basically we use the enzyme proteases. theek hai, and finally when the DNA is taken out, this is when the ethanol, chilled ethanol is added to it, and by spooling we take out the DNA which has been now isolated out from these cells. theek hai, from these cells as well as these components, that DNA is taken out. done. so this is how the first step, that is of isolation of genetic material, that is DNA, done. clear? any doubt to anyone from this topic, this first step? Anji, any doubt? no. the second step that involves, when we are taking out this DNA, DNA is a full length DNA. ठीक है, इतना बड़ा डीएनए है, हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को लोकेट करना पड़ेगा, तभी हम उसको एम्पलीफाई कर पाएंगे, है ना, हम उसकी कॉपीज जनरेट कर पाएंगे. राइट, सो फॉर दैट द सेकंड स्टेप, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन. नाउ सेकंड इज कटिंग ऑफ
DNA at specific sites. After cutting, we are to also separate it out. ठीक है, cutting of DNA at the specific sites and separation of it. ठीक है, and its separation. And its separation. मतलब कट करने के बाद हमें इसको सेपरेट आउट भी करना है. That is the second step. So for cutting, first of all, cutting of the DNA at specific sites. If you have heard of this complete chapter since the first lecture, if you have learned about it, then we know that how to cut the DNA at specific sites with the use of special enzymes called as restriction endonucleases. Okay, so cutting is done at the specific sites using the enzymes restriction endonucleases. अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हमने पूरा एक न्यू रिकॉम्बिनेंट तैयार करना है जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करना है होस्ट के अंदर. तो हमने क्या किया, पहले तो डीएनए निकाला, ये प्लांट का डीएनए को ट्रीट करना है हमें से. ठीक है, हमें इस प्लांट के डीएनए को ट्रीट करना है, तो ये प्लांट मेंबर है, इसका डीएनए हमने रिमूव कर दिया. ठीक है, अब उसके रिमूवल के बाद वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू लोकेट आउट द जीन, राइट. फॉर दैट वी नीड टू कट इट इनटू द स्पेशल सेगमेंट्स. ठीक है, तभी हम देख पाएंगे ना, पूरे डीएनए की स्टडी करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, सो दैट इज वाई वी हैव ट्रीटेड इट विद द सेवरल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस. एंड सो व्हेन द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस हैव बीन मेड द कट्स इन द डीएनए लेंथ, दे विल बी सेपरेटेड आउट विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन. इसका कैसे करवाना है, that is into the smaller fragments. कैसे करवाया जाएगा, using the technique called as gel electrophoresis. So for its isolation or separation, we use the technique which is gel electrophoresis. DNA being negatively charged will be pulled towards a positively charged pole, that is anode. You know, anode. So this is of the electrophoretic unit. ठीक है, सो यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन जस्ट सेपरेट आउट द डीएनए फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, राइट. देन स्टडिंग देम फर्दर, दिस सेम थिंग इज डन फॉर द सेल टू बी ट्रीटेड एज वेल एज द सेम थिंग इज डन फॉर द यू कैन से द सेल हुज जीन इज टू बी टेकन. ठीक है, तो उसके लिए भी हमें क्या है, सेपरेशन करना पड़ेगा, उसमें से भी जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है जो जीन हमने यहाँ पे डालना है अपने होस्ट सेल के अंदर डालना है. वेक्टर के साथ भी सेम ट्रीटमेंट देंगे क्योंकि वेक्टर का भी हमें आइसोलेशन करना है, उसके भी ओआरआई से हमें उसको कट करना है, प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट उधर डालना है. ठीक है, सो इट इज नॉट जस्ट सेपरेटिंग आउट इनटू द फ्रेगमेंट्स, लॉन्ग चेन ऑफ द फ्रेगमेंट्स सबकी नहीं बना के रख लेंगे हमने, द वन फ्रॉम विच यू नीड टू आइसोलेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए ये सारा हमने कट कर लिया, सारा हमने आइसोलेट करा लिया, सेपरेट करवा लिया. फिर उसके बाद उसको वैक्टर में डाला जाएगा, वैक्टर से उसको होस्ट में डाला जाएगा जहां पे हमने चेंज लिया. ठीक है, तो ये फिलहाल हमने क्या किया, कटिंग कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस से और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने सेपरेट कर दिया और हमारे पास क्या अवेलेबल हो गए, डिफरेंट स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए. फर्दर इज आफ्टर द डीएनएज स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड, वी ऑल्सो गेट टू लोकेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, द वन विच वी रिक्वायर टू बी इंसर्टेड इन टू द होस्ट, जिसमें जो हमने इंसर्ट करवानी है होस्ट में ताकि उसके अंदर हमारी डिजायरेबल चेंजेस आ सके. ठीक है, अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट एक हमारे पास आ गई है, एक डीएनए में से आपने लोकेट करा, उसके ऊपर कितना ज्यादा वर्कआउट किया तब जाके हमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिली, है ना. अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर हम उसी जीन को लेके सीधा एक ही जीन आया हमारे पास, एक ही नवा रिकॉम्बिनेंट बना दिया, एक ही नवा सेल बना दिया, और थ्रू आउट दिस प्रोसेस अगर कोई गड़बड़ हो गई, अगर कोई कंटेमिनेशन हो गया, अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो हमें वापस फिर से शुरू से सारे काम करने पड़ेंगे ये तीनों का, दे आर मच टाइम कंज्यूमिंग, है ना. फॉर दिस ओनली व्हाट वी आर टू डू इज जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आई है, एक रखने की बजाय हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लें ताकि हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स कर लें और हमारे पास कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट्स यूजफुल आएंगे उसमें से. ठीक है, पॉसिबिलिटी विल बी देयर, right. So this is to amplify. Next is the step for amplification of the gene of interest. Amplification of gene of interest. सिर्फ gene of interest को आगे लेके चलना है, बाकी सारे fragments यहीं पे छोड़ जाएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तक,
हमने अब आगे वाला स्टेप करना है सिर्फ उतनी से जीन के साथ जिसको हमने इंट्रोड्यूस करना है होस्ट में, ठीक है। एम्पलीफिकेशन, नाउ हाउ इज दिस एम्पलीफिकेशन, मीन्स टू इंक्रीज इन द नंबर, ठीक है, नंबर काउंट बढ़ा देना उसका। एम्पलीफिकेशन कैसे की जाती है, विद अ स्पेशल प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज PCR, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दिस फर्दर इंक्लूड्स द थ्री स्टेप्स दैट आर डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। अब ये तीन स्टेप्स फॉलो करके हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट करवाएंगे इस सिंगल जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। हाउ इज दिस डन, फॉर दिस से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इस डीएनए सेगमेंट के ऊपर है, ठीक है। दिस इज द डीएनए सेगमेंट, इट इज हैविंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सो इट इज बॉन्डेड, है ना, इस तरह से बॉन्डेड है, 3', 5', 3' and 5'. This is double stranded DNA. The very first step that takes place onto this is the first step, that is denaturation. Denaturation is done specifically at 94 degree centigrade. ठीक है, 94 degrees पे denaturation करवाया जाता है। ये पूरा process I'll continue in the next period. Today I won't be able to complete it. It's only 1 minute. So if you have any doubt, you can please ask me. I'll continue in the next period with this PCR. Hanji, if you have any doubt till the second step of this process, before this any topic, Hanji, raise your hand.